मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की ग्राम करोदिया स्मार्ट विलेज की श्रेणी में आने के बावजूद भी पंचायत सचिव की मनमानी के चलते अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। वहीं ग्रामवासी परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं होने से सरपंच पति और सचिव चांदी काटने में लगे हैं। महिला के सरपंच होने से सचिव की मनमानियां चरम पर है। ग्राम पंचायत संपूर्ण ग्राम के विकास के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए ग्राम पंचायत के लिए कई पदों का सृजन किया जाता है। इसके एक प्रमुख पद पंचायत सचिव का है। पंचायत सचिव को पंचायत कार्यालय का प्रभारी कहा जाता है, जो पंचायत कार्यालय में संबंधित कार्यों का लेखा जोखा रखता है। पंचायत सचिव सरकारी योजनाओं के लिए अनुदानित राशि को निर्धारित खातों में ट्रांसफर करने संबंधी सभी जानकारी रखता है। किंतु करोंदिया पंचायत का सचिव रंजीत सिंह यादव अपने कर्तव्यों से विमुख होकर कार्य कर रहा है, जो पंचायत कार्यालय में हमेशा नदारद रहने के साथ ही ग्रामवासियों को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिला पाया, जिससे ग्रामवासी पंचायत के चक्कर काटते रहते हैं। ग्राम में प्रधानमंत्री शौचालय, आवास योजना, मनरेगा, नरेगा सहित कई योजनाएं आज तक धरातल पर नजर नहीं आ रही। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शासकीय योजनाओं में आने वाली राशि में भारी हेराफेरी से इनकार नहीं किया जा सकता। परेशान ग्रामवासियों ने लामबद्ध होकर सचिव और सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जन सुनवाई में कलेक्टर को शिकायत की, वहीं मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाई। इस पर मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो मंगलवार जन सुनवाई का दिन होने के बावजूद भी पंचायत कार्यालय पर ताले पड़े मिले, तो उनका कहना था कि घर पर ही हूं और जन कल्याणकारी संबंधी कार्य कर रहा हूं, आपसे जो बने वो कर लो। संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि उक्त सचिव की अनियमितताओं को भ्रष्टाचार की जाँच कर दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर ग्रामवासियों के साथ न्याय करें। जब इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ अशोक जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि करोंदिया पंचायत सचिव की अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायत मेरे संज्ञान में आने के बाद मेरे द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद सचिव के खिलाफ दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। उज्जैन से अजय निमाग रिपोर्ट। बाद में ये क्या है, श्रीमान जी गाँव में कोई निर्माण नहीं हुआ, 5 साल हो गए हैं तो इसमें कोई निर्माण नहीं हुआ, नाली उनमें गंदगी है। स्कूल के यहाँ मोहरम जो था, मोरम एक मोरम के मट्टी डाल दी, वो कंक्रीट होने वाला था जी, वो भी क्या है इनने कोई सुविधा नहीं की मंत्री और सरपंच ने। अच्छा, सरपंच साहब का कहना कि पंचायत डेली खुलती है, खुलती है, खुलती है श्रीमान जी, इसमें मैं लिखित में राजू धारिया दे सकता है और ग्रामीण के गांव वाले दे सकते हैं। और क्या यहाँ चौकीदार आता है कि आज ये खुल रही पंचायत, आपको आना है मीटिंग है, ना मंत्री आता है और साफ सफाई हो कुछ भी नहीं, मकान धज जाता है तो सुनने के लिए राजी नहीं। अगर पेमेंट जो है, अगर आपको लेना शौचालय, शौचालय की क्या हालत है यहाँ पर? शौचालय की कोई हालत नहीं है, कोई को पेमेंट मिला कोई को नहीं मिला। इंदिरा आवास पे, इंदिरा आवास पे कोई को नहीं मिला, 5 जने को मिला 5 सालों में। क्यों नहीं है हर बार, सप्ताह में कितनी बार आता है पंचायत? एक दो बार। और मंगलवार को इतने लोग खड़े जन सुनवाई के लिए, तो क्यों नहीं आया? आपने फोन लगाया? फोन लगाया तो नहीं उठाया। आपका नाम? सर समस्या तो पानी की व्यवस्था है सर, पानी की टंकी नहीं है यहाँ पे, पीने के लिए बहुत समस्या है और इंदिरा आवास के नाम पे तो कुछ मिला ही नहीं अभी तक। मनरेगा का क्या मामला है यहाँ पर? मनरेगा में तो कोई काम ही नहीं करता है सर, पेमेंट कहाँ जाता है? 25 साल पूरी पंचायत, 25 सालों से केवल 5 या 10 मकान से ज्यादा नहीं बने अपने करोंदिया पंचायत में, और इनसे बोलते हैं तो ये बोलते हैं, बोले के पैसे दो 20,000 रुपए तो तुम्हारा। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि पंचायत हर मंगलवार को हर डेली खुलती है, ऐसा होता है? डेली खुलती है सर, हमने यहाँ पे करोंदिया में ग्राम सभा होते नहीं देखी है। पंचायत खुलती है? नहीं खुलती, पंचायत भी नहीं खुलती, हर मंगलवार को खुलती है? नहीं। सचिव कब आता है यहाँ, दिखा आपको गाँव में? पंचायत से कोई मतलब ही नहीं उनको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।